हम लोगों को बिहार में बनने वाली कढ़ी पड़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैं यहाँ ये सारे इंग्रेडिएंट्स ले रही हूँ। बेसन मैं यहाँ पर 3 से 4 टेबलस्पून ले रही हूँ। थोड़े से बेसन मैं कढ़ी के घोल बनाने के लिए रख रही हूँ। अब मैं बड़ी की तैयारी कर रही हूँ और थोड़े से मैंने पानी इसमें ऐड किया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स ना बने। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। वन 1/4 टीस्पून मैं इसमें जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ और ये गरम मसाला 1/4 और थोड़ी सी गोल मिर्च पाउडर भी मैं ऐड कर रही हूँ। स्वाद के अनुसार नमक मैं ऐड कर रही हूँ। अब इसे मैं हैंड ब्लेंडर से अच्छी तरह मिक्स कर ले रही हूँ। इसे इतनी अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे। जितने अच्छे से इसे फेटेंगे तो इसके बड़ी काफ़ी सॉफ्ट और अच्छे बनेंगे। और ये बड़ी बनाने की जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। आइए देखते हैं कि रेडी है या नहीं। थोड़े से पानी में मैं इसे डालकर देखूंगी और ये देखिए, ये जो थोड़े से मैंने बैटर डाला है पानी में, ये देखिए ऊपर आ रहा है पानी के। अब मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया है और एक साइड मैंने पॉट में थोड़े से पानी गर्म करने के लिए रखे हुए हैं। इसमें मैं बड़ी छानकर इसमें डायरेक्ट पानी में भिगोऊंगी जिससे कि बड़ी काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब मैं कढ़ाई में ऑयल ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल लिया है। जब तक तेल गर्म हो रहा है मैं पानी में थोड़े से नमक ऐड कर रही हूँ। तेल कढ़ाई में गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें बैटर थोड़े थोड़े स्पून से देखिए मैं डाल रही हूँ और इसके मैं बड़ी बना रही हूँ। एक साइड से बड़ी हो चुके हैं और अब इसे मैं फ्लिप कर रही हूँ। दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब मैं इसे, जो मैंने पानी सुसुम करके रखा हुआ है बगल में, थोड़े से नमक ऐड कर अब मैं इसमें डाल दूँगी। गोल्डन ब्राउन हो चुका है, मैं इसमें सारे डाल दूँगी। बाकी बचे हुए तेल मैं निकाल ली हूँ और बस खाली उसी पॉट में, उसी कढ़ाई में मैं ये जो बेसन के घोल रेडी करके रखे हुए थे वो बेसन के घोल भी मैं इसमें ऐड कर दी हूँ और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। घोल बनाने के लिए मैंने 2 बड़े टेबलस्पून बेसन लिया था और 2 बड़े ग्लास पानी मैंने लिया था। बैटर रेडी करने के समय ही मैंने ये घोल रेडी कर रख रखा था। और अब मैं घोल में 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर रही हूँ, हल्दी पाउडर, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है हमें। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट को भी इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं कढ़ी में उबाल आना शुरू हो गया है और अब इसमें मैं लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये भी अपने स्वाद के अनुसार आप ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून मैंने काली मिर्च भी इसमें ऐड किया है और थोड़े से मैं धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब कढ़ी में उबाल आने लगा है और हमें इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और जब तक कढ़ी पक ना जाए इसे कंटिन्यूस हमें चलाते रहना है। अभी मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है और ये मैं अभी मीडियम फ्लेम पर ही कढ़ी को पकाऊँगी। कंटिन्यूस इसे चलाते रहना है इसी तरह से।
5 से 7 मिनट इसी तरह कंटिन्यूस चलाते हुए हमें कढ़ी को पकाना है। उसके बाद मैं इसमें बड़ी ऐड कर दूंगी। बड़ी को मैंने 2 मिनट के लिए सुसुम पानी में भिगोकर रखा था और मैं फिर इसे अलग से एक पॉट में निकाल कर रख ली थी। मैंने बड़ी को कढ़ी में ऐड कर दिया है। इसे हल्के हाथों से ही चलाना है। अब मैं इसमें दही ऐड करूंगी। दही मैं यहाँ आधा कटोरी ले रही हूँ। आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दही को भी अच्छी तरह फेंट लेना है ताकि इसमें लम्स ना बने। और ये देखिए, मैंने दही को अच्छी तरह फेंट लिया है और कढ़ी के ऊपर मैं इसे डाल रही हूँ। और हाँ, मैंने गैस बंद कर दिया है। दही हमें गैस बंद करने के बाद ही ऐड करना है। अब मैं यहाँ बघार देने की तैयारी कर रही हूँ। मैं 2 चम्मच शुद्ध घी ऐड कर रही हूँ इसमें। घी गर्म हो चुका है और मैं इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड कर रही हूँ। जीरा को लाल होने तक पकाना है। उसके बाद मैं इसमें हींग ऐड करूँगी। हींग भी आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इस पर 1/2 टीस्पून हींग ऐड कर रही हूँ। कढ़ी में हींग का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसमें मैं तेजपत्र ऐड करूँगी। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून मेथी दाना ऐड करूंगी। मेथी मैं लास्ट में डाल रही हूँ क्योंकि मेथी बहुत जल्दी जल जाता है। मैंने फ्लेम को बंद कर दिया था, अब मैं फ्लेम फिर से स्टार्ट कर रही हूँ और बस कुछ सेकेंड और मैं इसे पकाऊंगी। और अब मैं फ्लेम ऑफ़ करती हूँ और बघार रेडी है। कढ़ी के ऊपर हमें इस तरह से बघार लगा देना है। कढ़ी बड़ी बिल्कुल रेडी हो चुका है। गैस के फ्लेम भी मैं बंद कर चुकी हूँ और अब मैं इसे सर्विंग बाउल में निकाल ले रही हूँ सर्व करने के लिए। और ये चटपटा और स्वादिष्ट कढ़ी बड़ी रेडी है बिल्कुल खाने के लिए। आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो इसी बात पे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह के रेसिपी के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।